हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि काफ़ी धांसू हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा रॉ आफ्टर मनी इन द बैंक 2020। और इसके लिए WWE ने कौन कौन से मैचेज और सेगमेंट फिक्स किए हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दे। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो चलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हो सकती है वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर के साथ, यानी कि आस्का और बेकी लिंच का एक हमें प्रोमो देखने को मिलेगा। WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होगा कि दोनों सुपरस्टार अपने थीम सॉन्ग के साथ रिंग में आएंगी। और कल के मंडे नाइट रॉ में फिक्स हो जाएगा कि आस्का अपने वुमेन्स मनी इन द बैंक किस पे कैश इन करने वाली है, रॉ वुमेन्स चैंपियन पे या स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन पे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा चांस लग रहा है कि वो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप पे मतलब अपना मनी इन द बैंक को फिक्स को कैश इन करेंगी। और WWE ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। और फ्रेंड्स, हमें देखना पड़ेगा कि कल के मंडे नाइट रॉ में इन दोनों सुपरस्टार के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिलता है या एक छोटा सा हिंट देखने को मिल जाएगा कि आगे भी राइवलरी हमें देखने को मिलने वाला है आस्का और बेकी लिंच के बीच में। और नेक्स्ट सेगमेंट हमें वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स का देखने को मिल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, फास्ट वीक का मनी नाइट रॉ आपने फॉलो किया होगा, तो उन्होंने कितना बुरा तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराया है, यानी कि वाइकिंग रेडर्स हराया है स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। तो अभी WWE एडवर्टाइज किया कि इन दोनों का भी, यानी कि इन दोनों टैग टीम का भी हमें एक प्रोमो देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, देखना होगा कि अब WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है बैकलैश, यानी कि WWE ऑफिशियली इस साल का जो मनी इन द बैंक हुआ था, यानी कि आज आपने जो मनी इन द बैंक देखा था उसमें WWE एडवर्टाइज कर दिया है कि नेक्स्ट पेपर व्यू हमें मनी इन द बैंक के बाद का जो पेपर व्यू होगा वो बैकलैश देखने को मिलेगा। तो हमें देखना होगा फ्रेंड्स कि बैकलैश के लिए WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज करती है कि नहीं, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस राइकिंग लीडर्स का मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। तो फ्रेंड्स, कल के मैच में ये भी हो सकता है कि दोनों सुपरस्टार के बीच में एक फिर से हमें मैच देखने को मिल सकता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि काफी अच्छा हो सकता है। और नेक्स्ट प्रोमो फिर से हमें, यानी कि रिटर्न हमें देखने को मिलेगा रेटेड सुपरस्टार इज का और रैंडी ऑर्टन का। अब देखिए फ्रेंड्स, रेसलमेनिया 36 में वो कितना बुरा तरीका से रेटेड सुपरस्टार इज रैंडी ऑर्टन को हराते हैं और थोड़ा मोड़ा रैंडी ऑर्टन इंजर्ड भी हो जाते हैं। आज तक दोनों सुपरस्टार का रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन WWE एडवर्टाइज किया कि दोनों सुपरस्टार का हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कल के मनी नाइट रॉ में दोनों एक हग टाइप से कर सकते हैं, यानी कि गला मिल सकते हैं, या कल के मनी नाइट रॉ में पता चल जाएगा कि एज का आगे किस सुपरस्टार से राइवलरी बढ़ने वाला है, क्योंकि एज स्टाइल फ्रेंड्स मनी इन द बैंक को हार चुके हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें एज स्टाइल का इंटरप्शन देखने को मिल सकता है या कुछ और भी कल के मनी नाइट रॉ में हमें बड़ा हिंट देखने को मिल जाए। और नेक्स्ट हमें सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है ड्रू मैकइंटायर का। अब देखिए फ्रेंड्स, ड्रू मैकइंटायर अपने WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर चुके हैं सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट, और काफ़ी अच्छा ये मैच हमें देखने को मिल चुका है। अगर आपने मेरे मनी इन द बैंक 2020 के हाइलाइट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कितना बुरा तरीका से वो हराते हैं सेथ रॉलिंस को और अपने WWE चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, माना जा रहा है कि कल के मनी नाइट रॉ में हमें बीस्ट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि आगे कन्फ्रंट्स कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर को। और कल के मनी नाइट रॉ में ऐसे पता चल जाएगा कि आगे ड्रू मैकइंटायर का राइवलरी किस सुपरस्टार से होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, चांसेस बहुत कम है कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी न्यूज आई है कि जीरो फैंस के क्राउड में हमें उनका रिटर्न देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका जल्दी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है और आगे राइवलरी हमें देखने को उनका मिलने वाला है ड्रू मैकइंटायर के साथ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे पर्सनली कमेंट पर लिख के बताएं कि कल ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार से मंडे नाइट रॉ अफेयर जा सकता है। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।